साथ सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं आपको बता दूं, आज का हमारा ये ब्लॉग होने वाला है भोपाल से लेके न्यू दिल्ली तक की जर्नी का। और ये जर्नी हम करने वाले हैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। तो हमारी ट्रेन का अराइवल भोपाल जंक्शन पे 12 बजे का रहेगा एंड 12:10 पे गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। सो आइए, बस अभी क्या है, लगेज वगैरह सब तैयार करके हम मतलब खड़े हुए हैं बस यहाँ पे। तो अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ा हूँ मैं, 2 पे आएगी। तो चलिए अभी ट्रेन का अराइवल देखते हैं, ट्रेन बोर्ड करते हैं, बिस्तर वगैरह बिछाएंगे बिकॉज ऑलरेडी 12 बज चुके होंगे। यार भूख तो लगी है, खाना भी कुछ खाया नहीं है, पैक कराया है, तो मैं आपको ट्रेन में चल के दिखाऊंगा कि मैंने क्या पैक कराया है। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, ये मैं आ गया हूँ मेरी सीट पे एंड दिस इज 71 साइड लोअर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लैंप भी दिया हुआ है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, संपर्क क्रांति जो है 12629 गाड़ी, इसमें यशवंतपुर हज़रत निज़ामुद्दीन, इसमें आपको बेड शीट मिल रही है, बट तब भी एक प्रिकॉशन के तौर पे मैं अपनी खुद की बेड शीट ले आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंबल रखा है, दिस इज़ पिलो, बाकी एक पिलो मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ से निकाल के साइड में रखने के लिए। राइट, कंबल भी दिए हैं बट कंबल आई एम नॉट यूजिंग। सो आइए पहले पूरा बैग सेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। एक्चुअली सब यहाँ सो रहे हैं इसलिए मेरे को काफ़ी स्लो वॉइस में बात करना पड़ रहा है। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ, मैंने डिनर नहीं किया था। डिनर के लिए मैंने अलबेग से थोड़ा कुछ खाने का पैक करा लिया था। तो मैं इसमें आपको बता दूँ मैंने क्या क्या लिया था। इस ये था हमारा ट्विस्टर, ट्विस्टर तो पूरा गया है काम से अभी। और साथ ही साथ इसमें हमें लिया था, मेरे हिसाब से ये इसमें बर्गर होगा। एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा लाइट में देखा हूँ, मेरे को दिखेगा नहीं। हाँ, इसमें बर्गर है, दिस इज बर्गर। बर्गर लीक कर रहा है यार मेयोनीज इसमें से, क्योंकि बैग दब गया था ना यार थोड़ा सा, ये गंदा ना हो जाए इसलिए मेरे को इस पर कंबल रख देना चाहिए। एंड दिस इज, ये है, इसमें चिकन नगेट्स एंड पॉपकॉर्न, देख लीजिए। तो आइए पहले मैं अपना ये यार ये डिनर कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। अभी बजे हैं सुबह के 4:45 और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है झांसी जंक्शन। और मैं आपको बता दूं, झांसी जंक्शन पे हमारा 10 मिनट में होल्ट होने वाला है एंड झांसी के बाद गाड़ी सीधा दिल्ली रुकेगी, हज़रत निज़ामुद्दीन रुकेगी। मैंने पानी की बोतल ले ली है अभी, तो यार अभी तो कुछ खाने की इच्छा वैसा हो नहीं रही है, पर तब भी थोड़ा सा चल के देखेंगे कि क्या क्या मिल रहा है खाने के लिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ।
अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30 और हमें पहुंचने में है बस आधा घंटा। और मैंने सोचा, वैसे तो मैं 10 बजे उठ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यार अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन किसी का ट्रेन टाइम पे पहुंची तो हम लोग चेंजिंग रूम में जाके वेटिंग हॉल में जाके नहा लिए। एंड देन नहाने के बाद हम लोग जाएंगे बस स्टैंड, वहाँ जाके हम लंच करेंगे। तो अगर टाइम बचा तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बट टिल दैट टाइम मैंने सोचा कि यार रुके ना रहा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पैक कराया था कल। तो मेरे पास अभी बच गया था बर्गर और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का, तो हम खा लेते हैं और आपसे बात करते हैं। सो ये लिया है मैंने, ब्रेड ऑमलेट है एंड दिस इज़ जो मैंने आपको बताया था बर्गर और नगेट्स वगैरह जो बच गए थे वो है। तो पहले हम इसको खा लेते हैं, है ना। मैं नाश्ता पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बाहर के थोड़े से सीन दिखाऊंगा। तो हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन हजरत निज़ामुद्दीन और अभी टाइम हो गया है 11:40 ऑलमोस्ट, ट्रेन राइट टाइम आई है हमारी। तो आइए चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं फिर से आऊँगा एक और नया ब्लॉग लेके। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और जिसको अगर आपको लगता है किसी को पसंद आएगा तो उसे शेयर करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। हो सकता है आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स और ज़्यादा अच्छे लगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।